शाहरुख खान ने साबित कर दिया है कि उन्हें यूं ही बॉक्स ऑफिस का बादशाह नहीं कहा जाता है, वो वाकई है। साल 2023 में जनवरी से ही शाहरुख खान का डंका बज रहा है, पहले पठान और अब जवान। जवान तो कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ चुकी है और अब वो खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हिंदी खबर डिजिटल और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। और नयनतारा की केमिस्ट्री और एटली कुमार का निर्देशन फैंस को सिनेमा घरों तक खींचने में बेहद कामयाब रहा है। फिल्म क्रिटिक्स की ओर से भी मूवी को अच्छे खासे पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। रेटिंग की बात करें तो 4.5 स्टार तक हासिल किए हैं। सोशल मीडिया पर तो जवान ही जवान छाया हुआ है। फिल्म ने दो दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा कमा लिए है, तो अब आप सोच सकते हैं कि जवान की सुनामी कहां तक पहुंच सकती है। तो आइए जानते हैं फिल्म कौन सा नया रिकॉर्ड बनाने या फिर तोड़ने वाली है। ये साल शाहरुख खान के लिए सबसे बड़ा साल रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही उनकी एक और फिल्म यानी कि पठान टिकट खिड़की पर हाहाकार मचाया था। इसने 1000 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया था। जवान भी जिस रफ्तार से पैसे कमा रही है, इसके भी 1000 करोड़ तो कहीं नहीं गए हैं। 3 दिनों में ही फिल्म ने भारत में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जवान को जन्माष्टमी पर रिलीज का फायदा हुआ। बता दें कि फिल्म ने भारत में 75 करोड़ की ओपनिंग की थी, जिसमें से 65 करोड़ हिंदी और बाकी तमिल और तेलुगु वर्जन से कमाए थे। शुक्रवार को फिल्म ने 53 करोड़ और शनिवार को 77 करोड़ का कलेक्शन किया। तो वहीं अब जवान की रिलीज के चौथे दिन यानी पहले संडे की कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं। सैकनिल की रिपोर्ट के मुताबिक जवान ने रिलीज के चौथे दिन 81 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें हिंदी भाषा से फिल्म ने 72 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, बाकी दूसरी भाषाओं से कमाए हैं। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन लगभग 287 करोड़ रुपए हो गया है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जवान के पास रविवार को हिंदी शो के लिए कुल 70.77%, तमिल शो के लिए 53.71% और तेलुगु शो के लिए 68.79% ऑक्यूपेंसी थी। जवान बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही है। फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं शाहरुख खान के इस लेटेस्ट रिलीज फिल्म के पहले हफ्ते के आखिरी तक सनी देओल की गदर 2 ने 500 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद है। इसी के साथ ये फिल्म सबसे तेज स्पीड से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की पहली फिल्म बन जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या जवान पठान के रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह देखते रहिए हिंदी खबर डिजिटल। धन्यवाद।